नाज़रीन, पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात हो, पीटीआई हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, जेयूआई या तहरीक लब्बैक या कोई भी आप सियासी पार्टी ले लें, पता नहीं जैसे ही उनके ऊपर थोड़ी सी भी तनकीद हो तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करते। कल मैंने एक वीलॉग किया जिसमें मैंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी जो उम्मीदवारान हैं ख़ास तौर पर जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो वो भी लगता है कि अंडरग्राउंड चले गए हैं क्योंकि उनके अवाम के साथ जो है वो रबते बहुत हद तक कम हो चुके हैं और शायद उनके जहन में या उनके किसी ने शायद उनको ये यकीन दहानी करवा दी है कि अगली हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून बनाएगी। नाज़रीन, कैसी बात है कि हमारे शहर फैसलाबाद के तकरीबन 3 लोग जिन्होंने मुझे जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा जी ये आप देखें जी आपने ज़्यादती की है, आपने ये गलत कहा है कि जी हम अपने हलकों में नहीं हैं, हम तो मुसलसल काम कर रहे हैं। नाज़रीन, आज उन 3 अशखास के अगर मैं हलकों में जाऊँ या मैं पहले भी जा चुका हूँ, मैं उनके हलकों में मुसलसल मैंने सर्वेज किए हैं, तो यकीन माने कि तकरीबन को 80% से ज़ायद अवाम उनके खिलाफ होगी और उनका सबसे बड़ा गिला यही है अवाम का कि ये लोग तो जो जीतने के बाद या कोई एक आदमी में से अगर हारा था तो हारने के बाद वो आज तक दोबारा हलके में हमें नज़र तक नहीं आए और जैसे ही इनको टिकट मिलेगा उसके बाद फिर ये किस्म की अपनी कोशिशें शुरू कर देंगे और फिर अवाम में जो है वो कोशिश करेंगे कि अपना किसी हद तक पज़ीराई हासिल करें और कुछ टिकट की बुनियाद पर जो है वोट इकट्ठे करके दोबारा से इक्तदार में आने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इस तरह के सियासतदान कभी भी कामयाब नहीं होते और जिस तरह का मैं हाँ बल्कि जो अच्छी बात जो मुझे देखने में मिली कि मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे कारकुनान ने, बहुत सारे डीप रूटेड वर्कर्स ने, जो डाई हार्ड वर्कर्स हैं, उन्होंने ना सिर्फ इसको अप्रिशिएट किया बल्कि उन्होंने मेरी इस हाँ में हाँ मिलाई कि वाकई ऐसा है, हमारे मुस्लिम लीग नून के लोगों की गर्दनों में सरिया आ चुका है। नाज़रीन, ये ज़्यादा से ज़्यादा अगले 1 या 2 महीने की बात है, अगस्त 13 से पहले पहले हर सूरत में इस हुकूमत को घर जाना ही जाना है। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, ये हुकूमत जो है किसी भी सूरत में 13 अगस्त से आगे नहीं जा सकती, ना ही ये जाएगी, ना ही इसको जाने दिया जाएगा। तो ये इस तरह का उसके बाद होगा क्या कि जैसे ही इनकी हुकूमत ख़त्म होगी इनको जनाब ऐसे हाथ बांधे हुए सामने आएंगे अवाम के सामने और जनाब हम तो अवाम के बगैर रह ही नहीं सकते। तो इनकी जो असल हकीकत है ये आपको इंशाल्लाह ताला हम बताते भी रहेंगे और दिखाते भी रहेंगे कि कौन उम्मीदवार जो है वो कितने पानी में है या कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो ये इतना केपेबल है कि वो आने वाला इलेक्शन जो है वो जीत सके। नाज़रीन, सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे बड़ी जिसे कहते हैं कि ड्रॉबैक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों का, उनका उनको शायद वो समझते हैं कि सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया जो है वो ये है कि उनका कोई एक आध गाना चला दिया जाए, उनकी एक वीडियो बन जाए और उसके बाद वो समझते हैं कि शायद यही सोशल मीडिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारा काम है। नाज़रीन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करने वाली होती हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स हैं जो क्रिएट करना पड़ते हैं, बहुत सारा ऐसा काम है जो सोशल मीडिया पर आपकी रेपो जो है वो बिल्टअप करता है। तो लेकिन बदकिस्मती कह लें या उनकी वो जिसे कहते हैं कि हमारे दोस्तों की कम अकली कह लें, वो ये समझते हैं कि शायद इक्का दुक्का अखबार में कोई ख़बर लग गई या किसी चैनल पे अगर 1 महीने बाद किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल पे उनका कोई 1/2 मिनट का या 1 मिनट का क्लिप चल गया तो वो समझते हैं कि देखें जी हम मुकम्मल तौर पर इस वक्त सियासत में इन हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाज़रीन, आपको ये जो आने वाला इलेक्शन है ये इंतहाई टफ़ तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। इसमें वही शख्स जीतेगा जिसने अपनी अच्छी मार्केटिंग की होगी, जिसने अपना अच्छा डिजिटल मीडिया नेटवर्क चलाया होगा। सबसे बड़ी बात यह है, आपने मैं आपको एक छोटी सी मिसाल इसकी दे देता हूं कि हमारे पाकिस्तान में कोई फिल्म बनती है तो उसके ऊपर जो है वो अगर 1 करोड़ का बजट आता था, सबका जो मैं बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ का अगर बजट आता था तो उसके ऊपर जो है वो 2-4-5 लाख में कोशिश करते थे कि 2-4 पोस्टर्स या बैनर्स या किस तरह की कोई 1-2 इक्का दुक्का केबलों पर चलाकर जो है ना उसके इश्तहारात को बनाया जाए कि जी बड़ी मार्केटिंग कर ली तो वो फिल्म डब्बा हो जाती थी। आप बाहर के ममालिक में जाएँ, अगर उनकी फ़िल्म जो है अगर वो 10 करोड़ 50 करोड़ की लागत से बनती है, अगर फिल्म 50 करोड़ की लागत से बनी है तो वो 50 करोड़ प्लस उसकी मार्केटिंग के ऊपर जो है वो अपना पैसा खर्चते हैं और उसके बाद वो सुपर डुपर हिट फिल्म होती है और चाहे वो डब्बा फिल्म हो, चाहे उसकी कोई समझ ना आए, ना सर ना पैर हो, लेकिन क्या है उसकी मार्केटिंग, उसका डिजिटल मीडिया उन्होंने इतना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग तरीके से चलाया होता है कि वो एक मुकम्मल तौर पर लगता है ऐसा ही है
कि जी शानदार किस्म के जो है ना जी वो उस फिल्म को पज़ीराई मिलती है। तो हमारे उन दोस्तों के लिए ये बहुत बड़ा सबक है जो ये समझते हैं कि शायद इक्का दुक्का हमारी कोई ऐसी टिकटॉक बन जाएगी, हमारा कोई ऐसा कोई जिसे कहते हैं कि कोई शायद बयान कहीं पर चल जाएगा तो उसके उसके बाद जो है हम मुकम्मल तौर पर लोगों के जहनों पर हावी हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दौर जो है ये लोगों के दिमागों के ऊपर हुकूमत इस तरह नहीं होती। आप ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जो पज़ीराई हासिल की थी ये सिर्फ़ और सिर्फ उसकी सबसे बड़ी जो एक किस्म की वो थी जिसे कहते हैं कि उसका सबसे बड़ा जो वाज़ह सबूत था वो सोशल मीडिया था। इमरान खान को अगर किसी चीज़ ने वज़ीर आज़म बनाया तो उनका डिजिटल मीडिया के ऊपर मुकम्मल तौर पर अबूर था। आप उनके लोग देखें अब भी कोई तकरीबन कोई 25-30 हज़ार बंदा पूरे पाकिस्तान में जो है मुसलसल काम कर रहा है। ये ना तो हमारे जो दोस्त इलेक्शन लड़ते हैं हमारे मुस्लिम लीग नून के हो गए पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अब आके उसने अपना डिजिटल मीडिया सेल बनाया, अंदाज़ा करें। तो आप उनसे अगर मिसाल के तौर पे किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बंदे से अगर कहें कि जी आप आए जी मैं अपने शहर के हमारे यहाँ पे सदर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो उनसे एक दफ़ा मैंने कहा कि जी आपको इंटरव्यू करना, तो वो इस तरह भागे जैसे कोई बहुत बड़ा कोई किस्म का जुर्म था। लेकिन नाज़रीन यही वजूहत होती हैं कि ये लोग फिर अवाम में पज़ीराई हासिल नहीं कर पाते, अवाम जो है इनको फिर जानती नहीं है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटा सा वो जिसे कहते हैं कि वो अगर थोड़ी सी इनको कहीं से अगर कोई कवरेज मिल जाती है तो ये समझते हैं कि हमने अपना जो तीर मारना था वो मार लिया है। लेकिन ये उस चीज़ से बिल्कुल जिसे कहते हैं हट के सियासत करते हैं, जो अब सियासत के जो रूल्स हैं, जो रूल्स ऑफ बिज़नेस या रूल्स ऑफ गेम्स जो हैं वो आजकल सियासत के कुछ और हैं, लेकिन ये लोग समझने से शायद कासर हैं, इनको शायद वो उस चीज़ की वो समझ नहीं आ रही। ये वही उसी पुराने घिसे पिटे अंदाज में चाहते हैं कि ये आए और आके कामयाब हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों की सबसे बड़ी ख़ास तौर पर फैसलाबाद में ख़राबी ये है कि हर बंदा जाती अपनी वो लगा हुआ है नमूदो नुमाइश में और उसकी कोशिश है और उसकी ख्वाहिश भी यही है कि वो किसी तरह से जीत जाए या वो किसी तरह से अपने आप को इतना नमाया कर ले कि उसको किसी की समझ ना आए। ना कोई यहाँ पर एक हलके वाला दूसरे हलके को सपोर्ट करना गवारा ही नहीं करता। शायद इक्का दुक्का ऐसे लोग होंगे जो कि इस नेचर के होंगे कि वो चाहते होंगे कि हम सबको जो है वो प्रमोट करें या सबके साथ सबको अपने साथ लेकर चलें, वरना दूसरी सूरत में सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद नुमाई। आप मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा उठा के देख लें, फैसलाबाद पूरे डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ में मगन होगा कि भाई मैं अपने आप को बेहतर कर लूँ, मैं अपनी पोजीशन को ज़रा किसी लेवल पे ले आऊँ। आज अगर इनका मुकाबला किसी टफ बंदे के साथ सामने आ गया तो आप यकीन मानिएगा यही लोग भागते फिरेंगे। और अब इनको असल में जिसे कहते हैं कि खुमार है कि हमारे पास कुर्सी है, हमारे पास वजारत है या हमारे पास इस तरह का कोई जिसे कहते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हम पोजीशन में हैं, तो ये जो अगले 2 महीने के बाद इन लोगों की आप हालत देखिएगा। और फिर जब ये हारेंगे तो फिर ये कहेंगे जी देखें जी धांधली हुई है, मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ हो गया। ओ भाई हाथ नहीं होता, वोटर अब बहुत सियाना हो चुका है, वोटर अब समझदार है, उसको पता है कि मैंने किसको वोट देना है किसको वोट नहीं देना। और ऐसे ऐसे लोग फिर बीच में जीत जाते हैं जिनका कोई किसी के जहनों गुमान में भी नहीं होता। तो सबसे पहले जो जिसे कहते हैं ना कि सियासत के डायनामिक्स को समझें, किस तरह सियासत करनी है, किस तरह लोगों के दिलों के ऊपर हुकूमत करनी है, किस तरह से अपना एक पूरा एक सोशल मीडिया नेटवर्क चलाना है। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग उसी चीज़ में शायद फंसे हुए हैं कि भाई एक आध जो है वो वीडियो बन जाए और उसके बाद जो है हम बड़े छा जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। नाज़रीन अवाम को अपना मैसेज, अवाम को अपने किए हुए काम, अपना किया हुआ जो उन्होंने पूरे अपने टेन्योर में उन्होंने अवाम के लिए क्या किया है, ये असल चीज़ें दिखाने वाली। आपको हर यूनियन काउंसिल में आपने क्या किया ये लोगों को बताना होता है, लोगों को दिखाना होता है कि भाई हमने ये किया है। अगर कोई हमारे मुकाबले में इस हल्के में किसी ने ये काम किया तो हमारे सामने आए, तो आवाम जो है फिर वो बड़ी समझदार होती है। जो खामोश वोटर होता है वो फिर इस चीज़ को देख रहा होता है कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसने हमारे लिए बेहतर काम किया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे लोगों को अभी तक वो उस चीज़ की, शायद अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को अब समझ रहे हैं, लेकिन जो अक्सरियत है अब अंदाज़ा कर लें कि कल के प्रोग्राम से हमारे अगर दोस्तों को तकलीफ़ हुई कि जी नहीं जी हम तो बड़े अवाम में हैं, ओ भाई फिर अवाम में है तो अवाम आपके ख़िलाफ़ क्यों बोलती है? अवाम आपको कहना जी कि हम ये हल्का है
सपोज टू बी किसी भी हल्के में अगर हम चले जाते हैं या हमने जो जो सर्वेस किए हैं, आप यकीन माने कि मैंने आज तक कभी भी एक सिंगल किसी बंदे का जो पैगाम है वो कभी कट नहीं किया। क्यों? वो जो कहता है कि मैं फलां जमात को वोट दूंगा तो मैं उसी को मिनो अन उसी के मुताबिक जो है वो नशर करता हूँ और मैं कहता हूँ, बताता हूँ लोगों को कि भाई यहाँ पर ये रेशो है। अभी अगले चंद ही दिनों में हम जो है इसका दोबारा से जो है फैसलाबाद के तमाम हल्कों में सर्वेस जो है वो शुरू कर रहे हैं और दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। कौन सा उम्मीदवार कितने पानी में है और किसने अवाम के लिए क्या किया है, किसने अवाम को समझाने की बेहतर कोशिश की है, कौन सा ऐसा बंदा है, कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जिसने अवाम की वेलफेयर के लिए कुछ काम किया है, तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला मेरे इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपके सामने लेके आऊँगा। फिर उन दोस्तों के गिला जो ये कहते हैं कि जी हम आवाम में रहते हैं, तो उनको फिर इस चीज़ की समझ लग जाएगी कि आवाम उनके कितने उनके साथ है। जब उनके यूसी वाइज सर्वेज होंगे, जब उनके हर हल्का जिसे कहते हैं कि 10-10 अगर सर्वेज होंगे, तो उसके बाद उनको समझ लग जाएगी कि हम कौन कितने पानी में खड़े हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने सियासी जो जिसे कहते हैं, जैसे मैं बात कर रहा था कि एक ऐसा भी उम्मीदवार मैंने देखा है जिसने वो 2-4 जो है ना वो छोटे छोटे बच्चे बैठाए हुए थे, जी हमारी सोशल मीडिया की टीम की मीटिंग हो रही है। अंदाज़ा करें नाज़रीन कि किसी जिसे कहते हैं कि बिल्कुल अनएथिकल या बच्चे को, किसी को क्या पता कि सियासत कैसे समझानी है, कैसे करना है, किस तरह से ये कंपेन को जो चलाना है या किस तरह से अवाम के दिलों में अपने जो है वो जिसे कहते हैं किए हुए कामों को उजागर करना है। तो बहरहाल इसके लिए मैं तो मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो मुकम्मल तौर पर ये करता रहेगा, चाहे हमें इसके लिए देखें, अगर पीटीआई के दोस्त हमसे नाराज़ रहते थे तो वो उसकी वजह बिल्कुल साफ वाजी, अब आपने देख लिया 9 मई का वकूआ जो हुआ, उसके बाद अगर मुस्लिम लीग नून के दोस्त भी हमसे नाराज़ होते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम तो अपना अवाम के साथ चलेंगे, जो अवाम कहेगी। अगर अवाम किसी जिसे कहते हैं ना कि अगर चाहेगी कि कोई काला चोर उनके सर पे आगे बैठ जाए, तो हम तो फिर भाई उसी का जो अवाम कह रही होगी उसी को दिखाएंगे। तो इसलिए सियासत को समझें और सियासत के जो डायनामिक्स तब्दील हो रहे हैं, जो सियासत जो चाह रही है, जो इस वक्त की बुनियादी ज़रूरत है, उसके मुताबिक सियासत करनी चाहिए, ना कि अपनी गर्दनों में सरिया डालकर आप फिरें कि जी अभी हमारी हुकूमत है तो हमें कोई परवाह नहीं, अगली हुकूमत भी हमारी आने वाली है। तो अगली हुकूमत तो हो सकता है फिर आपकी आ जाए, लेकिन आप उसमें नहीं होंगे, आप जो है वो फिर इधर उधर जिसे कहते हैं कि अपने दूसरे लोगों की मिन्नतें करते फिर रहे होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि अपना काम उजागर करें, अपने आप को उजागर करें, अपने बेहतर तरीके से लोगों में अपना पैगाम पहुँचाएँ। इसके लिए सियासत के जो जदीद तरीके उनको इख्तियार करें। कल तक के लिए सरदार अमीन जो तरीके दीजिए, इजाज़त, पाकिस्तान से दबा।